नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिव चड्डा है। मैं मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, कि हाउ टू डिले द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़। कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो CKD होता है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, वो किडनी की परमानेंट बीमारी है, क्रॉनिक इलनेस है और इसका कोई इलाज नहीं है, और इसमें समय के साथ आगे ही बढ़ना होता है। ये बात हम सब जानते हैं। तो हम एज नेफ्रोलॉजिस्ट हम पेशेंट को गाइड क्या कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं कि इस डिजीज़ की प्रोग्रेशन को डिले कैसे किया जाए। यानी मानो कि एक पेशेंट मेरे पास एक क्रिएटिनिन 2 लेके आए, और 2 से 3 अगर 1 साल में होना है, तो मैं ऐसा क्या बताऊं पेशेंट को कि 2 से 3 एक की बजाय 4 साल में पहुंचे, क्योंकि पहुंचना तो है ही। जिसको CKD हो गया वो तो इरिवर्सिबली प्रोग्रेसिव कंडीशन है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रोग्रेशन को डिले करने के तरीके क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका होता है शुगर कंट्रोल। शुगर यानी डायबिटीज़, जैसे हम जानते हैं कि किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डायबिटिक किडनी डिजीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ इन द वर्ल्ड, और ग्लाइसीमिक कंट्रोल यानी शुगर कंट्रोल इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन प्रिवेंटिंग प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। तो शुगर कंट्रोल चाहे डाइट से किया जाए, या दवाइयों से किया जाए, या इंसुलिन से किया जाए, शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है। और इसके लिए सबको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि कैसे शुगर कंट्रोल किया जाए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है BP कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी के पेशेंट्स में BP बढ़ता है, और BP के पेशेंट्स में किडनी रिस्क पे होती है। ये एक विशेष साइकिल होता है। जो CKD पेशेंट्स होते हैं उनका BP कंट्रोल नहीं होता, और जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिस होते हैं उनका CKD की प्रोग्रेशन बड़ी जल्दी होती है, क्रिएटिनिन तेजी से बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जो BP जब बढ़ता है तो किडनी के माइक्रो वेसल्स को डैमेज करता है, और किडनी के जब माइक्रो वेसल्स डैमेज होते हैं तो किडनी तक ब्लड सप्लाई पहुंचता नहीं है, और किडनी के सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो BP कंट्रोल इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड BP भी चाहे डाइट से, चाहे लाइफस्टाइल से, चाहे दवाइयों से कंट्रोल किया जाए, बट करना ज़रूरी है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, डाइट। किडनी के पेशेंट्स के लिए बॉडी के अंदर जा क्या रहा है बड़ा ज़रूरी होता है। तो किडनी के पेशेंट्स को लो सॉल्ट, मॉडरेट टू लो प्रोटीन, मॉडरेट टू लो पोटेशियम, लो फॉस्फोरस डाइट कंज्यूम करना होता है। और जो किडनी के पेशेंट साथ में डायबिटिक भी होते हैं, उनको डायबिटिक डाइट भी कंज्यूम करना होता है। क्योंकि अगर वो डाइट में लापरवाही करेंगे तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे तो क्रिएटिन बड़ी तेजी से बढ़ने लग जाएगा। चौथा पॉइंट आता है लाइफस्टाइल। हर किडनी के मरीज को, या फॉर दैट मैटर हर क्रॉनिक किसी भी क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट को, या जनरल पॉपुलेशन को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है, एक ऑप्टिमम वेट, ऑप्टिमम BMI बॉडी मास इंडेक्स, रेगुलर स्लीप वेक साइकिल, टाइम से सोना, टाइम से उठना, फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट एडिक्शंस, अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। कोई भी एडिक्शन किसी भी तरह की ना हो तो ये किडनी की के डिजीज की प्रोग्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्मोकिंग खासकर बहुत जल्दी किडनी डैमेज को प्रोग्रेस करा देती है, और अल्कोहल भी कराता है साथ ही साथ में। अगले हम पॉइंट पे आते हैं, दवाइयाँ। अब कुछ दवाइयाँ हैं जो किडनी के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, जैसे पेन किलर्स, ओवर द काउंटर पेन किलर्स जो होते हैं वो किडनी के मरीजों को बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और अगर जनरल पॉपुलेशन भी उनको कंज्यूम कर रही है तो एक लिमिट में करना चाहिए। और जब भी कोई दवाई या पेन किलर कोई कंज्यूम करे तो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और आजकल कुछ दवाइयाँ अच्छी भी आ गई हैं जो किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकती हैं, तो उन दवाइयों को अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की नॉलेज में रख के लेना चाहिए, कि आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ किडनी के डिजीज़ की प्रोग्रेशन को आजकल डिले करने के लिए, काफ़ी सारी दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अक्यूट इवेंट्स। अभी अक्यूट इवेंट्स क्या होते हैं, कोई CKD पेशेंट जिसका मान लो क्रिएटिनिन 2 से 3 के बीच में रह रहा है, उसको कोई कार्डियक इवेंट हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, या पेशाब की इन्फेक्शन, या निमोनिया, या कोरोना, या फिर कोई सर्जरी उसकी होने वाली हो, या शुगर एकदम शूट कर जाए, तो बॉडी में कहीं पे भी कोई इंसल्ट होगी तो किडनी के पेशेंट्स का किडनी डैमेज एकदम प्रोग्रेस करता है। आप सबको जानते होंगे कि कोविड काल में कई ऐसे पेशेंट्स थे जो क्रिएटिनिन 2-3 पे रहते थे और सीधा 10 पे पहुंच गया, और उनकी आज भी वो मरीज डायलिसिस पे है, या कईयों को ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ा है। तो ऐसा कभी भी कोई अक्यूट इवेंट हो तो उसी टाइम पे मेडिकल केयर सीख करना बहुत जरूरी होता है। अब हम आते हैं लास्ट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है रेगुलर फॉलोअप। हर किडनी के पेशेंट को
अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप कराना ही चाहिए, क्योंकि जब जब आप रेगुलर जांचें नहीं कराओगे तो पता कैसे चलेगा कि क्रिएटिनिन 2 का 4 कब हो जाएगा। तो रेगुलर फॉलोअप इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, और हर किडनी के पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रहना ही है, जो जैसे उनके नेफ्रोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे, वेदर इट इज 3 मंथली और 2 मंथली और 6 मंथली रहना ही है। अब इन सब पॉइंट्स को मैंने एक समराइज करने के लिए 8वां पॉइंट ऐड करा है, कंप्लायंस। जो जो सीकेडी पेशेंट्स इन ऊपर के 7 पॉइंट से कंप्लायंट रहेंगे, वो अपनी डैमेज किडनीज के साथ भी काफ़ी साल या ऑलमोस्ट कई बार पूरा जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि दो जिसका क्रिएटिनिन 40 साल की उम्र में 2 है, वो कभी डायलिसिस पे जाए ही ना, अगर वो ऊपर के सारे पॉइंट से कंप्लायंट रहे तो। थैंक यू।